गुरुर्वै सदां पूर्णमदेव तुल्यं प्राणो वदार्य वहितं सदैवं चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं। आप सभी को मेरा प्रणाम, आपके हृदय विराजमान प्रभु को भी मेरा प्रणाम। आध्यात्मिक चर्चा के अंदर हम अपने आप में जीवन को एक सरिता की तरह जब चलती है तब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हम देखते हैं कि वास्तव में भगवान ने, परमेश्वर ने प्राण और प्रकृति को कैसे समन्वय किया है। जीवन जीने की कला, जीवन में अपने आप में समस्याओं के साथ जूझना, हम समस्या का पीछा छुड़ाना चाहते हैं, समस्या हमारा पीछा नहीं छूट रही, तो ये सब जो है प्राण और प्रकृति के बीच का जो संबंध, उसमें वास्तव क्या करें। हम अपने आप में सोचते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक पुरुष मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई आचार्य मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई मार्गदर्शक मिल जाए। जब हम ये सभी बातों को देखते हैं तो कई बार सोचते हैं कि क्या हमारे पूर्वज पूजा पाठ आराधना उपासना सब करते हैं तो क्या ये सब जरूरी था, ये जरूरी है, करना चाहिए, उचित है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार बेटा या बेटी घर से बाहर निकलती है तब अपने मां और पिताजी कहते कि बेटा मंदिर के सामने प्रार्थना करके जाना। जब मां कहती बेटा घी का दिया लगा करके जाना, तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। कई इंटरव्यू है तो दादी मां घर की कहती कि बेटा एक माला मंत्र जाप करके जाना। तो ये हमारे पूर्वज क्यों कहते थे और क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रार्थना के अंदर प्रभु का वास रहता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम जीवन के अंदर परमेश्वर को याद करते हैं तो उसका अंश, उसकी दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है और उस दिव्य शक्ति को आशीर्वाद के रूप में जब उनके पास कुछ मांगते हैं तो हम जहां जहां जाते हैं भगवान की वही शक्ति हमारे साथ चलती रहती है। यहां एक मूल प्रश्न बात यह है कि हम अपने घर में या मंदिरों में दिया लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कहीं घी का दिया है, कई जगह तेल का दिया है, और ये सब जो दिए लगाते हैं तो वहां उस दीवे के अंदर जो भी घी हमने डाला, बाती बनाई, उसमें ज्योति जो प्रकट हुई, उस ज्योति के अंदर कई बार प्रभु का दर्शन होता है। यहां जो हमारे जीवन के अंदर समस्या है उस समस्या का निवारण उस दीपक के माध्यम से हम कैसे करें, उसकी मैं आज चर्चा करूंगा। प्राण और प्रकृति, परमेश्वर ने प्रकृति की जो रचना की, उस प्राण और प्रकृति के बीच में जो अंधकार है, अंधकार को उजाले की ओर कैसे ले जाए, जो समस्या रूपी अंधकार है, और उस अंधकार को बाहर, अंधकार से बाहर निकालने के लिए दीप, जब हम
घर में आचार्य और पंडित आते हैं, दीप का प्रथम पूजन कराते हैं, तो उस दीप का महत्व है, यानी कि अंधेरे से अज्ञान रूपी समस्या रूपी कष्ट रूपी अंधेरा जो है हमारे आसपास, उसको वहां से हमको निकाल दे। तो उसका मूलतः मैं आपको एक सामान्य प्रयोग बताने वाला हूं, जिस प्रयोग को मैंने हजारों लोगों को एक अपनाया है, हजारों लोगों को कहा है, हजारों लोगों ने इस प्रयोग को करके जीवन को कष्ट से मुक्त किया है, और यही गुरु परंपरा के माध्यम से जो मिली हुई ज्ञान रूपी ज्योति मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। जीवन को मधुर बनाने के लिए, जीवन में जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए ये सरल प्रयोग है। यहां कोई बड़े बड़े ग्रंथों का पाठन पढ़न चिंतन करने की जरूरत नहीं है, सीधा साधा सरल। आपको सर दर्द हो रहा है तो आप उसको सर को पूरा फाड़ करके ऑपरेशन करके नहीं देखते, पैनाडोल खा लेते हैं आप, सर दर्द की दवा एक गोली खा लेते हैं, दो घंटे में एक घंटे के अंदर आराम हो जाता है। मगर सर दर्द हुआ तो पूरा MRI स्कैन नहीं करते स्टार्टिंग में आप। वैसे ही जीवन में जो छोटी मोटी समस्या आती है, उस छोटी मोटी समस्या के लिए बड़े यज्ञ और बड़ी पूजा और बड़ी आराधना करने की जरूरत नहीं, छोटा सा प्रयोग और तीव्रतम काम करने वाली है शक्ति का अनूठा ये उपाय आपके जीवन में कर लेना। यहां किसी की भी जरूरत नहीं है, यहां अपने आप को श्रद्धा और समर्पण की जरूरत है। और ये प्रयोग कई संतों ने किया है, कई महात्माओं ने किया है, कई महात्माओं ने अपने श्रोताओं को भी दिया है, अपने शिष्यों को भी दिया है, और जन कल्याण हेतु। मगर ये जो विद्या गुप्त रही, ये विद्या गुप्त रही, जो गुप्त विद्या अपने गुरु अपने शिष्यों को बता के गए, शायद इस ग्रंथ में मिले या नहीं मिले वो मुझे पता नहीं है, मगर जो उस परंपरा से मुझे मिला है वो मैं आज आपको दे रहा हूं। मैंने अपने जीवन में सदगुरु की कृपा प्राप्त की है, मगर कई संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, कई संतों से ज्ञान भी प्राप्त किया है, कई संतों के साथ बैठना उठना उनके साथ रहना और उनके गुड़ रहस्यों को जानने की क्रिया भी मैंने की है। आप छोटा सा एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, यहां आपके पास मैं ये बता रहा हूं कि मिट्टी का दिया है, मिट्टी का दिया एक पूर्ण पवित्र होता है, उसमें कोई धातु की जरूरत नहीं है और बहुत सरल और सस्ते दाम से मिल जाता है। ये पवित्र इसलिए है, धरती मां पवित्र है, सहन शक्ति का एक प्रतीक है धरती मां, उस पर अच्छाई भी डालो बुराई भी डालो कुछ भी नहीं बोलती, उस मिट्टी से बनी हुई है एक ज्योत जिसके अंदर प्रदान होती है ये दिया। उसमें जो बाती है, कई बार हम रुई की बाती डालते हैं, मगर यहां आपको जो मौली कहते हैं हम अपने आप में नारा छड़ी, जो जीवन के रक्षा सूत्र के रूप में भी माने जाती है, उसको लेना है। उसका दो पार्ट, यानी कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का जब वायरिंग करते हैं, उस वायरिंग के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार के दो वायर भी होते हैं, तो यहाँ भी ये दो वायर के रूप में पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में, उसमें दो नाड़ी इंडा और पिंगला, उस दो नाड़ी के रूप में जैसे हमारी दो आँखें हैं, हमारे नाक है, दो छिद्र है, तो जो ये सूर्य और चंद्र का प्रतीक करती है ये बाती का, इस तरह आपको लेना है। यहाँ रुई की बाती नहीं चाहिए, यहाँ ये कॉटन से बनी हुई धागा है, धागे की बाती चाहिए, और उसमें आप घी डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, और उसके बाद जहां आपके भगवान का कोई चित्र हो प्रतिमा हो, वो बाती जो जोत जलेगी तो उसको उसके सामने रखना है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने भगवान
की प्रतिमा है, तो ये ज्योत है भगवान की ओर, हमारी ओर नहीं रहे, ये भगवान की ओर रहे। और फिर इसके अंदर दो तीन प्रयोग में और बताने वाला हूँ। तो सीधा साधा सरल आपको इस मिट्टी का दिया, उसके अंदर जीवन में हम क्या चाहते हैं, हम जीवन में चाहते हैं कि हमारी प्रगति हो, प्रोस्पेरिटी हो, जीवन में हम उन्नति की ओर बढ़े। तो वहां इसके अंदर घी के अंदर एक कपूर है और इसको कहते हैं भीमसेनी कपूर। ये जो है भीमसेनी कपूर है और भीमसेनी कपूर जो है इतना शुद्ध होता है, इतना पवित्र होता है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं। उसको आयुर्वेदिक के रूप में आप खाना खा भी सकते हो उसको, और उसकी सुगंध इतनी दिव्यतम होती है कि आपके घर में कटोरी में भी ये भीमसेनी कपूर रख दो तो वातावरण शुद्ध होगा। और घर में अगर नेगेटिविटी है, कोई आसुरी शक्ति अगर घर में निवास करती है तो अपने आप में भाग जाएगी। तो ये भीमसेनी कपूर को आप लेकर के उसको हाथ से चुरोगे तो ऐसे पाउडर के रूप में ऐसे अंदर दीप में डाल देना है, वो पूरा पाउडर बन जाता है। ऐसे आप देखोगे तो पाउडर बन रहा है, इस पाउडर के रूप में आपको डाल देना है। अभी बात यह है कि ये दिया है, उसमें आपने भीमसेनी कपूर का एक चूर्ण डाल दिया। अभी आपके घर में यह है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर के अंदर उस व्यापार की स्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि जिसके माध्यम से अपने आप में जितना भी पैसा डाल दे हो इतना जा रहा है मगर उन्नति नहीं बन रही है। तो आप क्या कीजिए, उसी दीपक के अंदर इलायची के दाने, पूरी पूर्ण इलायची, उसमें टूटी हुई नहीं हो, वो दो दाने उसमें डाल दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये लक्ष्मी का प्रतीक, ये दिया जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दिया बन जाएगा। और फिर उसको आप अग्नि से प्रकट कर दो और बैठे बैठे आप वहां भगवान की जो भी आप इष्ट देव को मानते हैं, राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, दुर्गा माँ को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, कोई भी देवी देवता को आप मानते हैं, वहां बैठ करके आप प्रार्थना कीजिए। और इस प्रार्थना के माध्यम से आप अपने आप में धीरे 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 आप एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आप देखोगे कितना परिवर्तन जीवन में आ रहा है। और ये शुद्ध और सात्विक प्रामाणिक प्रयोग है। अभी इसके आगे हम देखते हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे कहने नहीं मानते, छोटे होते हैं तो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं कि माँ बाप के भी ऊपर बड़े हो जाते हैं, मगर वो गलत रास्ते पे नहीं जाए। और गलत रास्ते पे चले भी गए तो उसको उस गलत रास्ता छोड़ करके अपने जीवन में पुनः अच्छे रास्ते पे आए, उसके लिए आप एक काली मिर्च, जिसको कहते हैं ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च कहते हैं, उस काली मिर्च को सिर्फ आपको 3 दाना लेना है और 3 दाना इस दीपक के अंदर रख देना है। 3 दाना आप इसके अंदर रख दिया तो ये प्रयोग बन गया। देखो हर बार जब आप दीप लगाओ तो उसमें कपूर तो डालना ही है घी के अंदर, मगर बच्चे के लिए कर रहे हो, बच्चे सात्विक रहे, बच्चे अपने अपनी लाइन में रहे, बच्चे अपने संस्कार में रहे, इसके लिए कपूर के साथ घी और घी के साथ काली मिर्च यानी कि मरी, ब्लैक पेपर कहते हैं उसको, 3 दाने डाल दें। इस तरह 21 दिन ये दिया करना है। लक्ष्मी की समस्या है, लक्ष्मी अपने व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, तो इलायची के दाने, पूरी इलायची रखना है, वो भी 21 दिन का ये प्रयोग है। ये 2 प्रयोग मैंने दिखाए। अभी आपको एक और चीज बताता हूं कि हम जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं। हम जैसे 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 जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास के इतने शत्रु बढ़ जाते हैं, वो जलसी होती है अंदर से और उसके माध्यम से हमारे काम में रुकावट आ जाती है।
तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए आप देखोगे तो जिसको कहते हैं येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, ये जो पीली सरसों है और येलो मस्टर्ड, और ये पीली सरसों जो है इतनी तीव्रतम होती है कि शत्रुओं को वहां से अपने आप में उनकी बुद्धि वहां स्तब्ध कर देते हैं। और पीली सरसों, देखो ये मैं जो भी प्रयोग बता रहा हूं वो परमेश्वर ने प्रकृति के साथ जोड़ दिया है, या कोई भी ऐसी क्रिया नहीं बताऊंगा कि जो अपने नियम के विरुद्ध हो। और मैं ये भी बता दूं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत इस प्रयोग को करते हैं मगर आपको बताते नहीं है, वही कहेंगे बेटा जो मैं बता रहा हूं वो कर, मगर वो खुद जो कर रहे हैं, खुद जो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने शिष्यों को एक गुप्त विद्या नहीं बताते। मैं आपको इस चीज को यहां बता रहा हूं जो संतों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, और ये जी क्रिया मैं बता रहा हूं, मैं अपने आप में ऊपर लेके कहां जाऊंगा? मैं जो बता रहा हूं शायद आपका जीवन इस प्रयोग के माध्यम से धन्य हो, इस प्रयोग के माध्यम से आपके जीवन की कठिनाई दूर हो, इस प्रयोग के माध्यम से आपके जीवन में सुखियां आए, खुशियां आए, इस प्रयोग के माध्यम से जो जीवन सुखा है वो सुखा हरा बन जाए, इस प्रयोग के माध्यम से कहीं आपके जीवन में चारों ओर प्रगति हो। मेरा उद्देश्य यही है, मेरे गुरु परंपरा के ज्ञान की परिभाषा यही सिखाती है। और ये जो है पीली सरसों आप उस दिए में डाल दीजिए। देखो यहां एक ही दिया है, एक ही दिए में मैंने तीन अलग अलग प्रकार के प्रयोग बता दिए। एक तो घी का दिया, घी का दिया के अंदर बाती, बाती के अंदर पीली सरसों, उसमें काली मिर्ची और इलायची। तो ये जो प्रयोग है आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की ओर ले जाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हुआ अगली बार इसी प्रयोग को मैं कुछ अलग ढंग से मैं बताऊंगा। ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, प्रणाम। सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमय मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने